तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पूरा जो मॉडल था क्रीचर वो गुजर चुका है, बहुत अफसोस हुआ। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। मेरे पास FBX थी, अब वो FBX कहाँ पर है मैं पहले ढूंढ लेता हूँ। हाँ, जटायु हाय FBX, तो मैं न्यू लेता हूँ और इस जटायु हाय को ले लेता हूँ। ये था हमारा मॉडल जिसे मैं ऊपर लेता हूँ, आर दबाता हूँ, स्केल करता हूँ। इसके से बाल बचे थे, अभी सब बचा है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसे साइड में रखूँगा, एक कॉपी लूँगा इसकी। उसके बाद इसे मैं करूँगा हाइड, थोड़ा सा रोटेट कुछ इस तरीके से, और राइट क्लिक फेस। सबसे पहले कुछ इस तरीके से कान सिलेक्ट और शिफ्ट राइट क्लिक एक्सट्रैक्ट। थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि थोड़ा ज़्यादा पोली है। तो देखोगे तो ये अब अलग हो चुका है, ये अलग हो चुका है। तो इसे मैं कर दूंगा हाइड ऑब्जेक्ट मोड पे आकर। एक कान अलग हो गया, अब दूसरे कान को अलग करेंगे, सिलेक्ट शिफ्ट राइट क्लिक फेस, शिफ्ट राइट क्लिक एक्सट्रैक्ट फेसेस। मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम ना बढ़े, देखते हैं कब तक हो सकता है। इसे भी कर दूंगा हाइड, फिर फेस पर आता हूँ। फेस फेस, और यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि लैसो टूल वगैरह नहीं है फोटोशॉप की तरह। ये लैसो टूल तो है, ओके है अपने पास। तो ये फेसेस सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट राइट क्लिक एक्सट्रैक्ट फेसेस। तो इसको भी अलग कर दूंगा, येलो हो गया ऑब्जेक्ट मोड। इसे भी हाइड, कांटेक्ट फिर इसकी गर्दन अलग कर देंगे। यहाँ पर देखोगे थोड़ा सा इश्यू है, वो किसी और के साथ चली गई होगी। लाइक सॉरी, पहले हमें हाथ अलग करना पड़ेगा। सॉरी, वापस फेस। कंट्रोल दबाकर जो नहीं चाहिए वो निकाल दो। शिफ्ट राइट क्लिक एक्सट्रैक्ट फेसेस। पैसा और पैसे की थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि कान और मुंह से ज्यादा फेसेस यहाँ पर रहेंगे। जैसा दिख रहा है दूर से। मैं ज़्यादा जूम वगैरह भी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि खुद ही हो जाए, वरना ज़्यादा टाइम लग सकता है। क्योंकि मुंह और वो जल्दी हो गया था हमारा। ये कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहा क्यों है, देखते हैं। देखोगे लैग हो चुका वापस।
23 तक ट्राई करते हैं, हो रहा है कि नहीं। हो गया। हाइड, परफेक्ट। ये हाथ भी निकालना है, वैसे तो हाफ की जरूरत है हमें, तो एक काम करते हैं अपन, राइट क्लिक करके फेस करता हूँ। नहीं, डर लग रहा है मुझे इतने फेसेस देख के। हाँ, तो हम लोग एक एक करके ही करते हैं, जैसे कि लेसो टूल फेसेस पे आता हूँ, थोड़ा क्रॉस पकड़ता हूँ, कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल दबाकर कुछ इस तरीके से रिमूव करता हूँ, फिर यहाँ पर आता हूँ, ये पैर को भी ले लेता हूँ, ये पैर भी ले लेता हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट फेसेस। अब हम रुकेंगे 26 to 27 तक, 3 से 4 मिनट देंगे इसको, ज़्यादा नहीं देते, वेट करते हैं, क्योंकि मैंने तीनों पैर जल्दी करने के लिए किया है कि अगर एक साथ भी आते हैं तीनों तो हम लोग सेपरेट करके तीन अलग हो जाएंगे, तो इतना इशू नहीं आएगा, इसलिए मैंने वैसा किया। ये देखो, ये जल्दी हो गया 1 मिनट के अंदर, और तीनों अलग अलग है। हाइड, 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 पूछ निकालेंगे हम, सॉरी फेस नहीं गया था। ऐसा कुछ, और शिफ्ट राइट क्लिक के साथ एक्सट्रैक्ट फेसेस करूंगा रिटर्न, और रिटर्न हम 2 मिनट रुकते हैं। हो गया, साथ दे रहा अपना पीसी हमारा। पहले फाइल को सेव करूंगा और जैसे कि हमने रखा था स्टूडेंट्स में, ZBrush में, सीन्स में, जटायु न्यू, और स्पेस बिल्कुल भी नहीं देना है, और इसमें जो एक्स्ट्रा फेसेस दिख रहे तो राइट क्लिक करके फेस करता हूँ, डिलीट। नहीं हो रहे, हाँ देख ये सब अलग अलग हो चुके हैं। ये एक्स्ट्रा की है अपना, इसको सिर्फ हाइड करना है और बाकी सब को डिलीट कर देना है, तो हमारे पास इतना कुछ बचेगा। आप तो सबको रिटर्न सिलेक्ट करूंगा, हिस्ट्री क्लीन कर दूंगा तो और कम हो जाएगा, फिर शिफ्ट एज दबाऊंगा तो ये अपना मॉडल आ जाएगा। एक हाथ गायब है जो कि यहाँ पर है, नहीं अपाइज बना दिए भी हमने, नहीं यहाँ पर, इसे हाइड रखूंगा वापस से। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, एक कान पकड़ूंगा, शिफ्ट राइट क्लिक, रिटोपो, इग्नोर एंड कंटिन्यू, थोड़ा सा वेट करेंगे। हो गया, सेव करता हूँ पहले फाइल को, इसको सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट राइट क्लिक, रिटोपो, इग्नोर एंड कंटिन्यू, वेट करेंगे। हो गया, सिलेक्ट, शिफ्ट राइट क्लिक, रीटोपो, इग्नोर एंड कंटिन्यू, थोड़ा वेट करूंगा।
नहीं ये जल्दी नहीं होगा क्योंकि ये फेस है। हो गया, ये ऑप्शंस दिखने लग गए मतलब हो चुका, हो गया। राइट क्लिक करके आप हार्डन कर सकते हो बाद में, वो बाद में देखेंगे, अभी नहीं। पहले सेव करता हूँ वापस से, हाथ को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक, रीटोपो, इग्नोर एंड कंटिन्यू। इसने कुछ ज्यादा दे दिया शायद से। मूव टूल से अपन चेक करेंगे। अंडू करता हूँ, अंडू वापस एक बार, अंडू अंडू। हाँ शिफ्ट राइट क्लिक, रीटोपो के अंदर जाएंगे अपन, या फिर इसमें एक ऑप्शन और है कि ये हाथ आगे का अलग करे क्योंकि ये फिंगर्स पार्ट है। फिर भी ट्राई करेंगे पहले एक बार। तो रीटोपो ही गायब हो गया। ओके, इसका रीटोपो अभी तक अंडू करके निकला हुआ नहीं है। हाँ अभी निकला। शिफ्ट राइट क्लिक, रीटोपो के अंदर जाएंगे, यहाँ पर 1000 है जो कि मैं 500 करूँगा। ओरिजिनल रखना है कि नहीं पूछ रहा है, मुझे नहीं रखना है, निकाल दे। ये भी मुझे 500 नहीं लग रहा है। अंडू सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट राइट, सॉरी राइट क्लिक, और इसी के साथ हमारा माया वापस क्रैश हो चुका है। अबे रिपोर्ट भेज कर क्या करेंगे, बस इसलिए मैंने सेव किया था, इसलिए हर स्टेप पे मैं सेव कर रहा था। तो आपके ऊपर है। तेरा क्या है? क्यों? जटायु रिसेंट जो बंद हुआ है वो क्रैश रिपोर्ट का बोल रहा है, ये मैं न्यू ओपन करूंगा जानबूझ के क्योंकि मुझे रिकवर्ड बिल्कुल नहीं चाहिए। ये देखो ये हमारा रीटोपो, हाइड करेंगे, ये है हमारा रीटोपो, हाइड करेंगे, हाइड करेंगे, सेव करेंगे। फिर पैरों के साथ हम थोड़ी वापस से काम करेंगे, जैसे कि फेस पर जाऊंगा लो पॉली के लिए। अब इसमें मुझे टोटल 3 अलग करने पड़ेंगे जैसे उस दिन हम लोग ने किए थे। एक इतना रहेगा, एक इतना रहेगा, पहले इन दोनों को अलग करता हूँ। शिफ्ट राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट फेसेस, और फिर इन दोनों को पहले हाइड करते हैं, या फिर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट मोड पे आता हूँ, राइट क्लिक करके रीटोपो कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक, रीटोपो कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। इसका उंगली निकालना है वापस से, तो फेस, शिफ्ट राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट पहले, अभी थोड़ा तेज हो रहा है, ऑब्जेक्ट मोड, रिटोपो, हो गया हाइड। एंड अब यही बचा है, तो इसको अब पहले करने के पहले सेव करेंगे। शिफ्ट राइट क्लिक पे जाता हूँ, यहाँ पर रीटोपो के बॉक्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर 1000 का मैं करता हूँ, 500 नीचे आता हूँ, टॉलरेंस थोड़ा कम कर देता हूँ 5 तक, टोपोलॉजी रेगुलरिटी भी रहने दो उतना क्योंकि हार्ड एजेस चाहिए प्रिजर्व, एंड करता हूँ।
इसको थोड़ा टाइम ले रहा है। ये ऑप्शन दिखने शुरू हो चुके हैं, मतलब होने आ चुका है। लाइफ फेसेस क्रिएटेड 57,000, मैंने टारगेट दिया था 500 का। सो करूंगा तो जिंदा भी रहेगा कि नहीं क्या पता है, क्योंकि यहाँ का देखोगे प्रॉपर हुआ है, यहाँ से उसने थोड़ी गड़बड़ की है। सो हो सकता है कट्स होने के कारण वो ज्यादा ये कर रहे हैं। वरना कुछ कुछ चीजें हमें मैन्युअली करनी पड़ सकती है। इतना पैर काट दो ना ऐसा। काट का रावण ने पंख काटे, तुम लोग उसके पैर काट। थोड़ा थोड़ा कट रहा है। बॉडी बॉडी करके देखते हैं इसके बाद, बॉडी कितना दे रहा है वो, क्योंकि आधी चीजें प्रॉपर आई है जैसे फेस वगैरह जल्दी हो गया, जिसको हम लोग ने पूरा टाइम लगाया था। लेकिन ये छोटा छोटा करोगे तो ही, अगर एक साथ बड़ा ही चीज करोगे तो नहीं होने वाला। ये कुछ ज्यादा ही टाइम दे रहा है। हो गया, कुछ चेंज भी नहीं दिख रहा है। इसको करके देखते हैं, सिंपली क्या करेंगे, शिफ्ट राइट क्लिक, रीटोपो के अंदर जाऊंगा, एडिट में रीसेट कर दूंगा एंड रीटोपो करूंगा। वाओ, बाल आइसोलेट करके करूंगा। इसका तो वैसे भी कम ही दिख रहा है पॉलिश, और कम करने हैं हमें। हाँ, पीसी भी मरेगा। हो गया, ये हमें ही करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है अपने पास।
पूछ, इसकी पूछ, उसकी पूछ, सबकी पूछ, शिफ्ट राइट क्लिक, रिटो को रिमैच करने का सोच रहा था मैं, लेकिन जाने दो। ये चला रही मैच करने वाले देखो, वाओ परफेक्ट, ठंडा। वो हम फिल कर देंगे, उतना तो करके दिया। किच्चू का पैर, हमें वैसे भी दो पैरों की जरूरत है। वाओ, तो आगे पैर के नखरे क्यों कर रहा है ये? हाँ एक नहीं, इसका मिरर करके वहां पे चिपका देंगे ना बाद में। हाँ तो इतना अच्छा ये करके दे सकता था, नखरे क्यों कर रहा था? ये डिलीट कर दूंगा मैं, नहीं चाहिए। पैर पे डिलीट कर दे। पीछे का पैर कहाँ है? है ना, है ना, इस वैसे तो इन उंगलियों की भी जरूरत नहीं। निकल, फिर हम रिटर्न सबको सिलेक्ट करेंगे और एक बार हिस्ट्री क्लीन करेंगे, जिससे कि अपने मॉडल छोटू बाल को सारे हो जाए। तो बेस्ट बाल को रिमैच करो। अभी इसको और इसको फिर कंबाइन करके फिर अटैच करना है, फिर इसको 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 अटैच करना है, फिर हाफ डिलीट करना है, फिर इसका मिरर कर देता हूं अभी के अभी। आप डिलीट करना पड़ेगा। मैं वैसे भी हाफ करके ही काम करने वाला हूँ, तो ये वाला नहीं चाहिए। जैसे इसका भी मैं हाफ ही मैच बनाऊंगा। इसका भी हाफ चाहिए था, लेकिन देखोगे कर्व बन रहा है यहाँ पे, इसकी भी जरूरत नहीं है। बॉडी भी हाफ ही चाहिए थी, इसके ऊपर हमें काम करना है अभी। रिमैच यूज करते हैं, पहले फाइल सेव करते हैं, ऑटोमेटिक रिमैच। मैक्सिमम लेंथ, कोलैप्स कम होने चाहिए, फर्क तो कुछ दिख नहीं रहा है। उससे अच्छा तो यही दिख रहा था। रिड्यूस, क्लीन अप, फेसेस मोर देन 4 साइड्स, नॉन प्लेनर, नॉन मैनिफोल्ड, क्लीन अप। ये क्या था? तो राइट क्लिक करता हूँ, रिटर्न, और इस बार रीटोपो में 1000 के बजाय 2000 ले ले और रीटोपो कर ले।
अंडू गुंडू ठंडा पानी, कोई बात नहीं, बनाना ही पड़ेगा। तो बनाने का प्रोसेस सबको पता ही है। हाँ करके ट्राई कर फेस, करने पे क्या जा रहा है। आधे फेसेस का करूँ? नहीं हुआ तो क्या बर्बाद। परसेंट हो चुका है। थोड़ा हो आया गया, वाह, क्या थोड़ा आया? ये शेप क्या। हाँ मतलब पहले से तो आया ना, चादर तो नहीं लग रही, कीचड़ तो बना, थोड़ा और बढ़ा के उसे चला। तो फिलहाल के लिए हम इधर ही स्टॉप करेंगे। एक काम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी अनरैपिंग करेंगे, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में इसे हम टेक्सचरिंग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलो बाय।